पुलिस का खबरी होने के संदेह में आरोपी ने अपने ही दोस्त को जान से मारने की कोशिश करने का मामला जरीपटका थाना क्षेत्र में सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अभिजीत नितनवरे हाल ही में जेल से छूटकर आया है। उसको संदेह था कि जख्मी प्रिंस सोनकर पुलिस की खबरी का काम करता है। इसी संदेह को लेकर शुक्रवार को अभिजीत ने प्रिंस को जिंजर मॉल के पीछे एक वीरान जगह पर बुलाया और वहां अभिजीत अपने साथी ऋतिक नागदेवते और अन्य दो साथियों के साथ पहुंचा। दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी विवाद में अभिजीत ने हाथ के कड़े से प्रिंस पर हमला बोल दिया। इस हमले में जख्मी प्रिंस सीधा जरीपटका थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। अभिजीत को इस बारे में भनक लगते ही वो अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश करी है। प्रिंस के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज है और आगे की जांच पुलिस करी है। काल 9:30 च्या सुमारास एक जिंजर मॉलच्या पाठीमागे घटना घडलेली आहे। त्यामध्ये प्रिंस प्रेमानंद सोनकर नावाचा एक मुलगा आहे, ज्याच्यावरती यापूर्वीचे गुन्हे पण पोलीस स्टेशनला दाखल आहेत, तो रेकॉर्डवरचा आरोपी आहे। त्याला एमपीडीएतून आताच सध्या सुटलेला अभिजीत नितनवरे आणि ऋतिक नागदेवते आणि त्याच्याबरोबर दोघा लोकांनी जिंजर मॉलच्या पाठी त्याला बोलवलं होतं। हे एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत आणि तिथे त्यांना त्यांच्यात भांडण झाली। त्याच्यामध्ये जो फिर्यादी आहे तो पोलिसांचा मुखबीर आहे असं त्यांना डाऊट आले आणि त्यांच्यात भांडण होऊन त्यांनी त्याला मारहाण केली, जीवेठार मारण्याचा प्रयत्न केला, त्याबाबतचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। फिर्यादी जेव्हा पोलीस स्टेशनला आला, त्याने तक्रार द्यायला जेव्हा आला तेव्हा आपल्याला पोलिसांना ती माहिती मिळाली। त्याच्यानंतर आपण आरोपीचा शोध घेत आहोत। 307 प्रमाणे नवीन कलम 109 प्रमाणे आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे आरोपींच्या विरुद्ध। आरोपींचा शोध घेणं चालू आहे। आरोपी हे रेकॉर्डवरचे आणि हिस्ट्री शीटर आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।